खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद हैं। इस दौरान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद क्या होगा, 17 मई के बाद कैसे, मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है। सोनिया गांधी की यही बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दोहराई। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के साथ लड़ाई में बुजुर्गों, डायबिटिक और हार्ट मरीजों को बचाना अहम है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि राज्यों के सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई धन आवंटित नहीं किया जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे। हमने 10,000 करोड़ का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी और उनसे बातचीत की जा रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, बार बार पैकेज की मांग की जा रही है लेकिन इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, केंद्र सरकार अनसुना कर रही है और इस वजह से वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। इस दौरान सोनिया गांधी ने कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद क्या होगा, किस तरीके से देश पटरी पर आएगा, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है।